ये कुनाल को पप्पी कर गई भाई। यार जरूर विजिट करो ये जगह, बट यहाँ पर फैमिलीज वगैरह भी आती हैं, खाने पीने का इंतजाम। गल नहीं पंचारी हिल्स, सॉरी ये देखो भाई चल रहे हैं यहाँ से पंचारी हिल्स की तरफ। ये भी हाय क्या मस्त जगह लग रही है भाई। ओ व्यू क्या मस्त व्यू है रे बबुआ। कम टू पंचारी बबुआ, चेक आउट द व्यू बबुआ। विशाल भैया क्या हाल है? और भाई साहब हाय क्या मस्त जगह लग रही है भाई। ओ मज़ेदार। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से पंचारी हिल्स की तरफ। ये भी पंचारी हिल्स का कोई 4-5 किलोमीटर पहले था। यहाँ हमने खूब सारा इंजॉयमेंट किया। तो अभी हम निकल रहे हैं पंचारी की तरफ फुल पावर सारे के सारे। तो तुम सब बने रहो व्लॉग के साथ, देन व्लॉग करो एंजॉय। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पंचारी गाँव में, पंचारी विलेज है ये। तो यहाँ पर अभी हम उपस्थित हो चुके हैं भाई साहब, और ये पंचारी पुलिस स्टेशन है। कोई सीन वगैरह बन जाए तो ये पुलिस स्टेशन के पास आप आ सकते हो फुल पावर में। देन अभी हम जा रहे हैं जो पंचारी देखने वाला, क्या बोलते हैं उसको, जो फॉरेस्ट देखने वाला, पहाड़ देखने वाले, हम उसकी तरफ निकल रहे हैं फुल पावर में। तो अपने साथ अपने सारे शलारू आ रहे हैं। तो लेट्स फटाफट निकल रहे हैं। फटाफट बोलेंगे कितना फटाफट जितना फट सकता है। तो भाई साहब आराम आराम से निकल रहे हैं अभी हम यहाँ से, क्योंकि चढ़ाई है पूरी। एंड वाले मोमेंट देखते हैं कैसी रहती है कैसी नहीं, क्योंकि लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि क्या मस्त जगह देखने वाली। सो अभी आराम आराम से पीछे देख सकते हो निंदर जो इनको चढ़ी है ना निग्गर साहब की, जो खाया पिया सारा, मतलब कि अब लोडेड हो गई हैं गाड़ियाँ। अब सीधा ऊपर चलते हैं फुल पावर में, देखते हैं क्या है देखने वाला क्या नहीं देखने वाला है, क्योंकि बड़ी ज़्यादा तारीफ सुनी है इस जगह की। सो आज देख ही भी लेते हैं कैसी है कैसी नहीं। बने रहो व्लॉग के साथ, देन व्लॉग करो एंजॉय मेरे यारो। व्यू चेक आउट द व्यू, प्यारी सी हट है, एक प्यारी सी बहुत मस्त वाली हट है आगे। ये देखो भाई क्या मस्त हट है। और एंड पॉइंट दिखाएंगे, ऊपर राइट पॉइंट दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये वाला रास्ता है पंचारी का भाई साहब। तो इससे पहले भी जो हमने आपको जगहें एक्सप्लोर करवाई हैं सारी वाली, तो वो जगहें भी एक नंबर थी भाई साहब। मेरे को तो लगता है पीछे से बंदा एंजॉय करे और वापस जा सकता है, अदरवाइज तुम्हारी खुद की मर्जी है तुम यहाँ पर आओ या नहीं आओ। बट हम नहीं तुम्हें बोलते कि तुम यहाँ पर आओ ही आओ, क्योंकि पीछे जो व्यूज़ है ना एक नंबर। हमने पीछे एंजॉय वगैरह किया, बट हम यहाँ पर सिर्फ यही देखने आए हैं जो हट्स वगैरह हैं यहाँ पर, ये देखने आए हैं। और उसके बाद जो ये जंगल है थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे अगर अच्छा लगा अंदर जाना तो अच्छा करेंगे एक्सप्लोर, नहीं लगा तो सो यहाँ ही हम क्लोज कर देंगे अपना। पहले हट सिखाते हैं आपको यहाँ से क्या सुंदर लग रही है भाई साहब। ये देखो हटे कितनी मस्त लग रही हैं भाई साहब। तो अभी चलते हैं भैया जंगल देखते हैं क्या जंगल है क्या नहीं है। तो उसके बाद मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए बनाओ व्लॉग के साथ, व्लॉग करो एंजॉय। सो नाउ दोस्तों अभी हम चढ़ रहे हैं कुछ चढ़ाइयाँ, प्यारी सी, छोटी सी, मोटी सी और पतली सी। देन उसके बाद हम पता नहीं कहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ पे वो देवता जी का मंदिर है, वो बताया अंकल जी ने हमें। सो मंदिर नाम मुझे याद भूल गया, क्या पता वहाँ बोर्ड शोर्ड पे लिखा हो तो आपको बता सकें। तो तब तक के लिए आप बने रहेंगे व्लॉग के साथ और व्लॉग करेंगे एंजॉय। चेक आउट भाई साहब, ये है प्यारा सा एक जंगल नहीं पंचारी हिल्स, सॉरी। दो तीन बार मेरे को याद भूल गया। और सबसे पहले आप चेक करो भाई साहब, यहाँ पर फैमिलीज वगैरह भी आती हैं, खाने पीने का इंतज़ाम कर लो और यहाँ पर आ जाओ। तो हमने तो एंजॉय वगैरह पीछे ही कर लिया सारा। सो अभी हम इतनी प्यारी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, क्या मस्त लग रही है जगह। चेक आउट। और कुणाल भैया पेड़ लगा रहे हो क्यों, ज़्यादा हो गया क्या? और भाई साहब क्या मस्त जगह लग रही है, क्या बताऊँ तुम्हें, मस्त लग रही है, मस्त फुल पावर में मस्त लग रही है भाई। पूरी लोकेशन चेक करो। ओ भाई क्या मस्त लग रही है जगह।
क्या मस्त लग रही है जगह। तो दोस्तों पहले जो रोड था वो भी एक नंबर था, तो उसके बाद जब हम यहाँ पर लास्ट लोकेशन पे पहुंचे, ये तो उससे भी ज्यादा प्यारी है भाई साहब। और ये देखो, ये है हमारे यार जो करते हैं ये सब हथियारों वाले काम। भाई साहब क्या मस्त बंदे हैं, कसम से बोल रहा हूँ। तो तुम सब चेक कर ही सकते हो क्या मस्त लोकेशन है। और मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, जो जो पंचायरी आना चाहते हैं यार, ज़रूर विजिट करो ये जगह। बट बारिश वगैरह में मत आना, थोड़ा लैंड स्लाइडिंग का सीन वगैरह है। रोड वगैरह तो ठीक है, नॉर्मल आता है, थोड़ा सा ख़राब, अदरवाइज़ बाकी सारा ठीक है। एक नंबर खाने पीने का सब प्रोग्राम यहाँ पे सेटअप है, कोई आपको ज़्यादा फिक्र वाली नहीं। मगर घर से आप अपना खाने पीने का सामान लेके आओगे तो वेल विश है, अगर आप नहीं लेके आते हो तो यहाँ पर तो है ही है ना, उसकी कोई इतनी बड़ी बात है। ओ भाई ये देखो बंदे कहाँ कहाँ से निकलते हैं। तो अभी देखते हैं कहाँ तक आगे क्या दिखता है देखने को। सो जैसे भी कुछ प्यारी सी जगह दिखती है, एक मंदिर है, मंदिर दिखता है तो मंदिर दिखाते हैं तुम सबको। तब तक के लिए तुम सब बने रहो ब्लॉग के साथ, देन ब्लॉग करो इन जाय। तो हमारे दोस्त को विशाल को बकरी से प्यार हो चुका है, चेक कर सकते हो, विशाल इसको छोड़ रहा ही नहीं है। ये कुनाल को पप्पी कर गई भाई बकरी, भाई साहब मजा ही कुछ हो रहा है। और ये बकरी को खिला रहे हैं, अभी विशाल खाएगा एक खुद, ये नहीं खाती है, मैं तो जबरदस्ती खिला रहे हो। मारोगे उसके के साथ, दूसरा कुत्ता भाग रहा है गाइस, चेक करो। भाई हमारे कितने प्यारे प्यारे दोस्त हैं, एक कुत्ते के साथ दूसरा फ्री। टॉमी बाय टॉमी, क्या नाम उसका। सो भाई देखो यहाँ पर बच्चे मिल गए थे, हम जहाँ भी व्लॉग शूट करने के लिए जाते हैं प्यारे प्यारे से सुंदर से बच्चे मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा प्यारे बच्चे हैं। सो हमारे पास तो इनके लिए कुछ नहीं है अभी। ओ देखो बकरी से डर रहा है छोटा, भाई कसम से बोल रहा हूँ, गांव के बच्चों के लिए इतना प्यार हो गया ना तुम्हारे भाई को, कसम से प्यारे से बच्चे होते हैं, मासूम से बच्चे होते हैं, मतलब अपने शहर के बच्चों की तरह नहीं होते, ईगो एटीट्यूड वाले या फिर बड़े मतलब की रीस बनेंगे, मतलब नॉर्मल सबसे बात कर लेते हैं प्यार से, हंस के बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसा ही सबका नेचर होना चाहिए जैसे इन बच्चों का नेचर है। देन चलते हैं आगे, मंदिर दिखाते हैं फुल पावर में। सो गाइस चेक आउट दी मंदिर, ये वो प्यारा सा मंदिर देख सकते हो, कितना प्यारा है, मतलब ऐसी जगह पे इतना प्यारा मंदिर हो तो किसका मन नहीं करे मंदिर को देखने का। भाई तो मैं तो पहुंच गया हूँ भाई देखने के लिए, लोग पता नहीं, ये देखो पूरा दिखा रहे हैं हम, क्योंकि ये एरिया उसी टाइप का है। सो मंदिर भी आपको वैसे लग रहा होगा, बट प्यारी जगह लग रही है। प्यारी कैसे लग रही है दिखाता हूँ तुम्हें, कैसी प्यारी लग रही है ये देखो भाई। इतने ज़्यादा पेड़ होने के बावजूद भी ये मंदिर सेंटर में है, और इसके पूरे आर चार चबखे में पेड़ ही पेड़ है, इतना सुंदर लग रहा है ना, क्या बताऊँ गाइस तुम्हें। चगे उच हो भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो अभी चलते हैं आगे, थोड़ी सी देखते हैं आगे क्या क्या है देखने के लिए। सो अपने यार चल रहे हैं आगे, हम भी चलेंगे आगे, यानी उसके बाद दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं को तो यहाँ पर इतना कुछ देखा नहीं, बस फैमिली के लिए ना, आप फैमिली के साथ आओ, फैमिली के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। पत्नीटॉप तो बड़ी बार गए हो ना, थोड़ा बड़ी बार गए हो आप, मेरे को पता सुना सर बड़ी बार गए हैं तुम लोग सभी। सो एक बार यहाँ आकर ट्राई करो, मस्त एक नंबर देखने वाली लोकेशन है। सो ये व्लॉग मुझे लगता है दो पार्ट में आएगा, फर्स्ट पार्ट जिसने देख लिया होगा तो सेकंड पार्ट ये देख रहा होगा, अगर जिसने सेकंड पार्ट नहीं देखा हो, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा, सो आई बटन में जाओ, फर्स्ट पार्ट चेक करो फुल पावर में, देन उसके बाद मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए बने रहो व्लॉग के साथ और व्लॉग करो। सो नाउ दोस्तों अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लोर वगैरह कर लिया, तुम सबने वीडियो देख ही ली होगी और उम्मीद है तुम सबको वीडियो प्यारी लगी होगी। और जो जो बंदा यहाँ पर नहीं आया होगा तो अपनी चॉइस है, आना चाहते हैं तो आओ, नहीं आना चाहते हो तो वीडियो देख के इन्जॉय करो फुल पावर में। सो आज का व्लॉग, आज के दिन का व्लॉग, आज की पूरी सीरीज का व्लॉग हम यहाँ ही करते हैं एंड। सो विशाल भैया एंड कर दो, सॉरी शिवांग भैया हैंड कर दो। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सनमा साहब ब्लॉग्स, तो ज़्यादा प्यार दो मुझे बोलने में फिर दिक्कत होगी, सॉरी गाइस। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, देन जय श्री राम।